आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान में एडवर्टाइजमेंट ठेके की चौथी बार नीलामी मंसूख, जबकि 8 दुकानों, 6 कैंटीन्स और 6 नर्सरियों का ठेका तय पा चुका है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली रियाज से। अली बताइएगा। जी बिल्कुल, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान हेड ऑफिस में जो नीलामी का इनका किया गया था वो अपने अख्ताम को पहुंचे। इस नीलामी में आउटडोर एडवर्टीजमेंट सन 2019-20 का ठेका, जबकि पार्कों की मुख्तलिफ दुकानें, कैंटीन और नर्सरियां शामिल थी, जिसमें से नर्सरियों में से 9 में से जो 6 कैंटीन है उनका जो ठेका है वो तय पा गया था। हम जो कैंटीन है 6 की 6 उनका जो ठेका है वो भी तय पा गया है, जबकि इसके साथ साथ जो 30 दुकानें थी जो कि PHA के एहतमाम काम करती हैं वो अभी तक उनका जो ठेका है वो नहीं हो पाया, जिसमें से बताया जा रहा है अभी तक जो नीलामी खत्म हुई है उसमें से तकरीबन 10 से ज्यादा जो दुकानें हैं उनका जो ठेका है वो तय पा गया है। जबकि दूसरी जानिब आउटडोर एडवर्टीजमेंट जो कि चौथी बार अब फिर दोबारा से जो है मनसूख हो गया है, आखिर इसकी क्या वजह है? क्योंकि पहले भी बताया जा रहा था कि जो ठेके की कीमत है वो बहुत ज्यादा है, जिस वजह से जो ठेकेदार है वो इसमें अदम दिलचस्पी का जो मुजाहरा वो कर रहे थे। ताहम अब मुसलसल चौथी बार जो ठेका है मनसूख होने के बाद अब PHA का क्या लाहेमल होगा, इस हवाले से मजीद जो तफसीलात है वो जानते हैं, हमारे से मार्केटिंग के नुमाइंदे मौजूद हैं। सर बताएगा, अब चौथी बार ठेका मनसूख हो गया, अब आइंदा क्या लाहेमल होगा आपका? इस हवाले से कि कल है गवर्निंग बॉडी की मीटिंग, तो उसमें RDE एजेंडा रखा हुआ है, तो कल उम्मीद है कि इस बारे में कोई फैसला होगा। पहले 4 दफ़ा हमने ये रखा है, लेकिन ठेकेदार जो है इसलिए हिस्सा नहीं ले रहे कि वो कहते हैं कि जी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, रिजर्व प्राइस जो है उसको लेस किया जाए, तो वो चूंकि गवर्निंग बॉडी ही कर सकती है, तो ये कल जो गवर्निंग बॉडी हो रही है उसमें ये केस रखा हुआ है, उम्मीद है इस बारे में कोई बेहतर फैसला हो जाएगा। कल जो BUDA की डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होने जा रही है उसमें यह रखा जाएगा, मुसलसल चौथी बार जो आउटडोर एडवर्टीजमेंट 1920 का जो ठेका है वो मनसूख होता आ रहा है। इस ठेके के मालियत की बात की जाए तो 15 करोड़ 49 लाख के जो मालियत है वो उसको मुनाफा जो है PHA को हर साल हासिल होना था, जबकि इस जो ठेका मुसलसल मनसूख होने की वजह से PHA की जो सेल्फ इनकम है उसमें भी काफ़ी हद तक जो है कमी वाक़ होती आ रही है। तो PHA नुमाइंदे का यही कहना है कि कल जो BOD डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होने जा रही है उसमें बाकायदा तौर पर इसको आगे इस मुद्दे को रखा जाएगा और उसमें फैसला किया जाएगा कि आया किस ठेके की कीमत कम की जाए या फिर इसको जो है इसकी सेल्फ रिकवरी की तरफ बढ़ा जाए या फिर कोई और लाहेमल निकाला जाए। तो कल बिल आखिरी जो चौथी बार जो मुसलसल जो आउटडोर एडवर्टीजमेंट का ठेका जो मनसूख हो गया है उसके मुताबिक लाहेमल बनाया जाएगा। जी ठीक है अली रियाज, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।